जैसा कि हमने अभी कुछ दिनों से ऑब्जर्व किया होगा कि बैरियर गेट्स पे आपने देखा होगा या सोशल मीडिया पे देखा होगा एक बहुत सुंदर सी टैगलाइन, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, जो बिल्कुल वो टैगलाइन उनको जस्टिफाई करती है कि किस तरह से वो थ्रू आउट जो लॉकडाउन पीरियड रहा, कोरोना का जो टाइम अभी भी चल रहा है, वो बिल्कुल अपडेटे होके पूरी इस चुनौतीपूर्ण माहौल में काम कर रहे हैं मोटिवेटेड होके। दिल्ली पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का आज ये इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के अंतर्गत एक मेडिकल टीम स्टार वेलनेस की जो है एंड दिल्ली पुलिस के जो पर्सनल्स हैं इनके बीच का एक कम्युनिकेशन देखा गया था कि दिल्ली पुलिस में भी जो दिल्ली पुलिस स्टाफ है, जो हमारे पुलिसकर्मी भाई बहन हैं, उनके अंदर भी स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ रहा है। तो उसी स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए उनकी फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं या उनकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो उनकी समस्याएं हैं उसके लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। जो फर्स्ट सेशन के अंदर काफ़ी तरह के क्वेश्चंस आए उनको, उनके खान पान से रिलेटेड क्वेश्चंस जिसका डॉक्टर्स की टीम ने उनको आंसर किया, इम्यूनिटी से संबंधित क्वेश्चंस और किस तरह से ये जो कोरोना वायरस की एंग्जाइटी या स्ट्रेस है इसको कैसे कम किया जा सकता है, और बहुत तरह से जो र्यूमर्स इधर उधर से न्यूज़ आती है तो करेक्ट हेल्थ इन्फॉर्मेशन कि क्या हमें करेक्ट स्टेप्स लेने हैं प्रिवेंशन करने के लिए कोरोना वायरस के लिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और कैसे ये जो कोरोना वायरस वाला अभी टाइम चल रहा है इस टाइम के अंदर कैसे हम काम करते हुए अपना स्ट्रेस लेवल है उसको कम कर सकें, अपनी एंग्जाइटी को कम कर सकें, इस तरह के जो क्वेश्चंस थे उनका मेडिकल एक्सपर्ट टीम ने उनको रिप्लाई किया और ये काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल सेशन रहा। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन के थ्रू हुआ जिसमें कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के जो भी पुलिस पर्सनल्स थे वो सब इससे कनेक्टेड थे। इस वेबिनार में स्टार इमेजिंग एंड पैथलैब के डॉक्टर्स शामिल हुए, एक पैनल था जिन्होंने तमाम साथियों की परेशानियों को सुना, उनके सवालों को सुना और बहुत तसल्ली बख्श डॉक्टर्स ने उनका जवाब दिया। ओवरऑल इसमें ये एक बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहा जिसके अंदर कि सबके जो भी जिस भी तरह के क्वेश्चंस थे खाने पीने से रिलेटेड, उनको अगर पॉजिटिव हो जाता है तो उसके बाद उनके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, और इस क्वारंटाइन अगर कोई होता है तो ड्यूरिंग क्वारंटाइन उनको किस तरह से अपना ध्यान रखना है, हर तरह के क्वेश्चंस पे काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई और उनके सभी तरह के क्वेश्चंस का आंसर दिया गया। तो ये काफ़ी सराहनीय कदम है।